तो चलिए बनाते हैं ब्रेड से ऐसी मिठाई जिसे खाकर आप भी बोलेंगे वाह क्या बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड्स का ये जो पिछला हिस्सा होता है और ये जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, बस उसी से बनाया है एकदम आसानी से। तो यहाँ पे ये जो है ब्रेड के ये जो साइड साइड वाले, इसको हम जार में डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी इसका हम ऐसा चुरचुरा सा बना लेंगे पाउडर। अब हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को हल्का गर्म कर कर ये जो हमने चूड़ा तैयार किया है इसको हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स को, और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का हल्का हम इसे भून लेंगे ताकि ये थोड़ा ब्राउन हो जाए और थोड़ा सा भून जाए। भून गया है फ्रेंड्स ये। अब हम उसी कढ़ाई में आधी कटोरी चीनी डालेंगे और चीनी को हमें कैरमलाइज करना है, यानी चीनी को हमें पिघलाना है, इसमें हमें कोई दूध और पानी नहीं डालना है, इसे हमें बस ऐसे ही गर्म से कैरमलाइज करना है। तो इस तरह से कर ले फ्रेंड्स, ये देखिए होने लगा है। और सच में फ्रेंड्स एकदम बचा खुचा से इतना टेस्टी मिठाई आप आराम से रक्षाबंधन किसी भी चीज़ के लिए आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छा बनता है। और ये देखिए अच्छे से चीनी हमारा कैरमलाइज हो चुका है और ये बहुत ही सही लग रहा है। अब ये देखिए कितना अच्छा से इसका बैटर तैयार हो चुका है। तो इसे हम ऐसे हाथों की मदद से हल्का हल्का इसे चलाएंगे, ये देखिए कितना सही हो गया है। अब ये फैन एकदम अच्छे से कम होते जा रहा है धीरे धीरे, अब ये एकदम अच्छे से रेडी हो गया क्योंकि एकदम पीसा सा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध डाला है इसमें, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको पूरा में मिला देंगे। तो चीनी को हमने अच्छे से दूध में मिक्स कर दिया है और ये देखिए दूध भी हमारा उबल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूध को हम अच्छे से गर्म होने दे देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो हमने ब्रेड क्रम्स को भून के रखा था ना, उसको हम हल्का हल्का इसमें सारे के सारे को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सूजी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बड़े इसमें सूजी डाला है। अब इसको हम अच्छे से जैसे हलवा बनता है ना, बस वैसे ही चला चला कर बनाना है। और इसमें हम घी डाल देंगे, मैंने 2 बड़े चम्मच भर के घी डाल दिया है और इसको अच्छे से मैंने बना लिया है। अब ठंडा होने के बाद हमारा जो हलवा है वो एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और ये जो है सारा का सारा हलवा हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही सही बना है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना मस्त कंसिस्टेंसी है और ये देखिए कितना सही लग रहा है। अब इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे, इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे दबा दबा कर, और अच्छे से इसको हम सेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा मिठाई बनने वाला है, इतना जल्दी और आसानी तरीके से आप इसे घर बैठे आराम से बना सकते हैं। अब कंटेनर को बंद करके हम इसको फ्रिज कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें बादाम वगैरह डाल के। तो अब ये रेफ्रिजरेट हो चुका है और ये एकदम अच्छे से बन चुका है, यानी ये एकदम परफेक्टली तैयार हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे दूसरे बर्तन में और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा शेप बना है इसका, ये देखिए कितना सही लग रहा है। तो अब हम इसमें इस तरीके से कट्स लगाएंगे छोटे छोटे, आपको जितना बड़ा रखना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कट्स लगा लीजिए और आराम से इसे हम दोनों तरफ से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा मिठाई रेडी है, ये देखिए कितना मस्त और टेम्पटिंग लग रहा है हमारा मिठाई, बहुत ही सुंदर मिठाई बनके रेडी हुआ है। आप एक बार ज़रूर बनाना, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है।